In <tries>

تو آج کے اس نشست میں انشاءاللہ یہ جو آیت کریمہ کا ایک ہے آیت 40 اللہ رب العالمين نے ارشاد فرمایا الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ये जो तवील आयत करीमा है इस आयत करीमा का एक الله الناس بعضهم ببعض इस आयत करीमा से मुतलिक मैं आपके सामने दो तीन बातें रखूँगा पहली बात यह है कि ये जो الناس بعضهم ببعض अल्लाह सुबहान ताल अगर जो है बाज़ लोगों को बाज़ लोगों से यानी उनका दिफा ना करते उनको दूर ना करते और उनकी हिफाजत ना करते तो क्या होता वो तो हम आगे जिक्र करेंगे इन लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का बास को बास से दफा करना उनको जो है रोकना उनकी जो है यानी एक तरह से जो यानी किसी तरह की कोई लड़ाई और कोई जो है मतलब कोई किसी को अजियत पहुँचाए कोई किसी को तकलीफ़ दे इससे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचाए रखे हैं इसका क्या माना है वलौला वलौलादफ़ा ना सबा बिबा इस सिलसिले में इमाम मोहम्मद इबन जरीर इबनज़र अबारी राम ने अपनी तफसीर में अपनी सनद से चार जो है अखवाल आपने पेश किए हैं पहला जो कौल आपने पेश किया है वो इमाम इब्नु जुराइज से जो मरूफ मुफसर हैं दूसरी सदी हिजरी के इमाम इब्नु जुराज रहमतुल्लाह के हवाले से आपने इस बात को बयान किया अपनी सनत से और शेख अहमद शाहिर मिसरी रहमल ने उस सनत से मुतक कहा कि इस नादु हो सारे तो इब्न जुरैज रहा ने कहा वलौदफ़ा सब्बा बबाव का मतलब आपने ये बताया कि दफ़ालमुशरक बिलमसलम दफ़्लमशरक़ बिलमसलम मतलब ये कि अगर अल्लाह रब्लम मशरकिन को अहल इस्लाम से दूर ना करते उनको जो है उन पर गलबा पाने से बचाए ना रखते अहिल इस्लाम को तो फिर जो है मतलब क्या कुछ खून ख़राबा होता क्या कुछ जुल्म होता क्या कुछ हादिसात होते जो है मतलब दीनी जो मतलब जो है यानी जो इबादत खाने हैं उन सब से मुतालिक क्या कुछ होता फिर वो जो है हादसा की तफसील आगे बयान की जा रही है यानी अल्लाह सुबहान तआला ने हमेशा से इस बात को जो है मतलब एक अमूमी मसला अल्लाह रब्लमी ने रखे हैं कि मशरिक को यानी गालिब होने से अल्लाह रब्लमी ने अहले ईमान को बचाए रखे हैं अहले ईमान को जो है मशरिके उनको तकलीफ़ दें उनको सतएँ उनको बेघर करें और उनको जो है मतलब यानी इबादत खानों से उन्हें दूर रखें ऐसा होता है लेकिन अगलब यही है कि अल्लाह रब्लमी ने हमेशा इनको इससे बचाए रखे हैं अगलब यही मामला है अगर ये सूरत हाल ना होती तो जो है मतलब बहुत कुछ जो है मतलब हादसा रनुमा हो जाते तो ये माना उन्होंने बताया है इब्नु जुरैज ने रहमहुल्लाह कि वलौला دفع المشرکین بالمسلمين वलौला دفع الله المشرکین بالمسلمين यह माना आपने बताया है एक दूसरा माना जो इमाम इब्नु जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी ही सनद से जिक्र किया है वो عبد रहमान इब्न زيد इब्न असलम से متعلق رحمه अब्दुलरहमान इब्न जैद इब्न रहमतुल्लाह से मतलब हमने पिछली कई नशितों में मुतद मरतबा हमने इस बात को कहा है कि बहसत रावी अदीस आप पर कलाम है इब्न हजर ने आपको ज़यीफ़ कहा है रहमतुल्लाह यानी दीगर मुहद्दिसीन ने जो आपसे मुतल कहा है उसी का जो है मुलखस बयान किया है हजर ने रहम सुलज़िया वगैरह के रूआात में से हैं वो सही हैं के रूआ में से तो नहीं है ज़ीफ़ रावी हैं एक सौ बासी कुछ हिजरी वफात है आपका लेकिन अगर हम कुरान मजीद की यानी तफसीरी मालूम से मुतल आयत करीमा का माना मफहूम से मुतल अगर देखें तो आपकी नकूलत जो है कुतब तफासिर में भरे पड़े हैं इब्न जरबर रहा ने किस कसरत से जो है मतलब आपके अखवाल जिक्र किए हैं आप, आप, आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा तो अब्दुलहमान इब्नजैैद इब्बर रहा ने इस आयत करीमा का माना यह बताया कि लऊल कितोल यानी यानि वलोला सब्बा रबाद का माना यह बताया कि लल जिहादित अगर अल्लाह इस तरीत में यानी जब से अल्लाह ने शरीत आदम अली तो, को भेजे हैं अल्लाह ने जो जो शरीय रखी है इस दुनिया में उसमें अगर कताल और जिहाद का मामला ना होता तो फिर क्या होता कि जो है अहिल ईमान को कुफार कभी की ख़त्म किए कर दिए होते अल्लाह रबालमीन ने इस शरीत में इस निज़ाम को रख करके अल्लाह नेदल का मामला रखे हैं अमन का मामला रखे हैं खुश हाल का रब्लमी ने मामला रखे हैं ग तलब बात यह है किमानबनै अब्न रहा का ये जो कौल है इस कौल से मुतक कुछ मुफ्सिरी ने बहुत ही ताक़ीदी तौर तो पर पेश किए जैसे मैं आगे जिक्र करूँगा इन शतो नतीजे के लेकिन ये दूसरा कौल है इसकी सनत पर भी जो है शेख आहमद शाकि ने सही का हुक्म लगाए हैं जो है सिवाय इसके कि जो है इमाम इमाम तबार के जो उसद कासिमिम आपके बारे में कहा कि फलम आरिफ हो लेकिन एक जो तीसरी रिवायत है या तीसरा कौल है इस आयत करीमा से मुतक वलोला بعضهم नाबास इसमें थोड़ी सी तफसील है वो जो तीसरी रिवायत है जिसे इमाम इब्न जरीर तबरी रहा ने अपनी सनत से नकल की है वो रिवायत करने वाले जो साहब हैं उनका नाम है सबित सबितब्न अवसजा अलज़रमी सबि इब्नसजा अल हजरमी एक तो वो ये कहते हैं कि हदस अनी सब आतूम व इशरूना बिन अब अली व अब्दुल्लह के अली बिन नबी तालिब और अब्दिल्ल बिन मसूद रजी हम के तलामिज़ा में से तकरीबन सत्ताईस लोगों ने बीस पर सात लोगों ने जो है मुझे ये बात सुनाई है ये रिवायत मुझे जो है मतलब बताई है उसमें से आपने तीन लोगों का नाम भी लिया एक नाम है लाहक इबन अकमर और दूसरा नाम है अल इब्न जरवल और तीसरा नाम जो बहुत ही मरूफ है अल अलक्रज़ीम तीन नाम आपने बयान किए हैं लेकिन ये जो साबित इब्न अवसजा अल हजरमी हैं ये कहते हैं कि जो है इन सभी तलामेजा ने जो अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन मसूद का जो कौल इनको सुनाया है वो ये कि बिन तालिब रजी अल्लाह रजील ने कहा कि उन ज़रत हादलाए तो फिर असाब मोहम्मद बिन सल्हलम कि वलौला करीमा अल्लाह यह आयत करीमामा अल्लाहान तौबा के बारे में नाजिल की लेकिन मतलब क्या है इस आयत करीमा का कहा कि वलोला दिफ़ा व वलोला दिफ़ा अल्ला वलोला दिफ़ा अल्लाब महमदिन आनी तबिन ने अल्ला अगर सहाबा की मदद तबीन से ना करते यानि रसूल सल्लाम की वफ़ा के बाद सिद्दीक के दौर में उमर बिन खत्ताब के दौर में उस्मान बिन बिनफ़ान के दौर में ख़ुद अली बिन अबी तालिब के दौर में रज़ी अल्लाह अल्लाजमाइन यानी सहाबा की जमात भी अच्छी खासी थी जरूर लेकिन ताब की जो कसरत रही है उस एतबार से फतहत में जो है बड़ा हिस्सा इनका रहा है ताब का सरकरदगी सहावा को रही है जैसे कि हाफिज हाफ़ ने हाजर बारी में जो है मतलब अली साहबा में भी लिखा है और फ़तहल बारी में भी जो है किताबुल किताबलज़्या वगैरह की में लिखा है आपने एक शराह में लिखा है कि किबारहाबाद साहबा का जो दौर था खासकर यानी उमर बिन खत्ताब का उस्मानफान का अबू का सदी का तो था ही उमर बिन बिन परमाफ़ान का जो तवील अरसा तक जो आपकी खिलाफत रही है इसमें जहाँ भी गवर्नरी की बात आती है यानी एक एक बड़े मनसब की बात आती है तो उसमें सहाबा ही रहे हैं सहाबा के अलावा कोई और उस मनसब पर नहीं रहा है तो सहाबा ही रहे हैं लेकिन इनकी माताती में ताबे की जो बड़ी तादाद रही है ये जो इस्लाम इस्लामी फतौहत में इनका बड़ा हिस्सा रहा है तो इस तनाजुर में अली बिन अबी तालिब ने बात कही कि जो है यानी लिफ़ा ला बे असहाबी मोहम्मदिन अन ताब तो फिर क्या होता लहुद्दी मोबया हूँ सलावा तो फिर इनशा हम उसकी तरफ से तो आगे करेंगे लेकिन इसका यह मानना अली बिन अबी तालिब की तरफ से हमें ही मिलता है लेकिन एक तो ये रिवायत सनातन ज़यीफ है बल्कि इसनाद ज़यीफ

कि आपसे मुतल काफ़ी छानबीन तो की लेकिन जो है मतलब मालूम आपसे मुत्ल नहीं मिल पाएं खैर ये तो एक अलग बात है लेकिन दिलचस्पी की बात यह इस रिवायत के जोफ से मुतल हुई है, कि ये जो साबित इब्न अवसा हजरमी हैं उनके जो तिलमीज़ हैं अब रातब हारिस जिनका नाम है उनके तिलमीज़ सैफ़ इब्न उमर वो, वो जो है मतलब ज़ायफ़ रावी है मतरूक हदीस है बल्कि वो आ, तो सैफ़ उमर जो हैं सैफ इबनर तमीम तमीम अलकूफ़ी आपसे आप मुताल शेख अहमद ने जो तारुफी तौर तो पर जो कहा वो कहा कि जो है अखबारियन वाइफ الحديث ऐसे आपने लिखा है लेकिन जो मतदमी जो हैं उनमें से यही अबनुमाइन रहल्ला की अगर बात करें तो याबनुमा रह ने आपको ज़ईफ़ कहा है लेकिन ज़ईफ़ कहने के लिए जो अल्फाज जो उसलूब जो ताबीर आपने इख्तियार की हुई ये कहा कि फ़लसन ख़ैर उम्मन हो ऐसे कहा यानी एक छोटी सी चीज़ें मतलब जैसे बोलते हैं ना कि चिल्लर पैसे जो होते हैं जैसे हमारी अपनी आम जुबान में हम जो बोलते हैं तो ये जो यानी उससे भी जो है मतलब वो भी तो इनसे बेहतर है इत, इस हद तक जो है मतलब वो नाकाबिल एतबार हैं उनका ज़ोफ़ बताने के लिए उनका शदीद व बताने के लिए ये ताबीर इख्तियार की याहिया बिन माइन ने रहमतुल्लाह कहा कि फ़लसुन ख़ैर उम्मन हम अब हातिमर राजी इतने अजीम मुहदस हैं और इमाम दारो हैं राम अजमाइन आपने इन दोनों इन दोनों इन दोनों असब इमन यानी सैफ़ इबनर से मुतल कहा कि ये जो है यानी यानि हदीस हैं बल्कि अबू हातिम और राजी ने एक जायद बात ये कही कि कहा कि युश भी हो हदीस हुदीस अलवा़िदी अलवा़िदी से मुतिक जब हमने हबीबा रज़ी उमिन से मुतल जब हमने तफसीले दर्ज दिया था तो उसमें जो है अलावादी से मुतल हमने तफसील से गुफ्तु कर चुके हैं कि उनका दर्जा क्या है वगैरह वगैरह यूट्यूब पर मौजूद है और अलग से जो है मतलब छोटा सा दर्स है वो सुन ले सकते हैं लेकिन कहा कि यूश भी हो हदीस हो हदीस अलवा़ीदी ये कहा कौन अब ने रहा और आप देखिए कि यानी इब्न अब्बान रहम्ला आपकी जो किताब है अलमजरुहैी उसमें आपने जो है इनको मतहम करार दिया है वज़़ हदीस और जिंदगा से मुतल तो ये सब ज, उमूर बताते हैं कि जो है ये यानी है उहादि थी जिदन ये बात है आपसे मुतल तो इस अतबार से ये रिवायत तो बहरहाल सनदन ज़यीफ़ है नाकबिल हुज्जत है लेकिन एक कौल पेश किया है अब वह, आ, इमाम इब्न जर तबरिन एक और कौल भी पेश किया है इब्न जबल्ला ने एक चौथा कौल अब्दुल्लाह इब्न अबी नजी अलमक् जो इमाम मुजाहिद रम्ह के अखस तला में से हैं तो इमाम मुजाहिद रम्ह का कौल उन्होंने नकल किया है कि इमाम मुजाहिद राम ने कहा के लऊल ला दफ़र यानी बे कौम इन ये बात आपने कही कि अल्लाह सुबहान वाल एक कौम को दूसरे कौम से बचाए न रखते यानी लउल ला दफरना सबा बिबाज़िन ऐसे कहा आपने कि लऊल दफ़र सब बबिन फ़िशहादती वफ़ी हक़ की यानी अल्लाह सुबहानो इन्होंने एक तरह से मामलात को जोड़ के रखा कि इंसान की जो मामलात है इंसान की जो समाजी ज़िंदगी है इंसान की जो घरेलू ज़िंदगी है जो उसकी जो 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 जो, जो माशर में वो रहता है अगर अल्लाह जो है मतलब जैसे एक शख्स एक शख्स के हक़ में जो है मतलब शहादत देता है गवाही देता है एक एक शख्स के हक़ हाँ में हक वाला फैसला होता है उसके हक में जो हक वाला है उसको उसकी ताक़द होती है उसकी तायद होती है और लोग उसका सपोर्ट करते हैं उसका साथ देते हैं अगर ये सूरत हाल होती तो फिर क्या होता कि जो है एक दूसरे पर चढ़ाई करता एक दूसरे पर जुल्म ही किया जाता तो एक तरह से आपने इसको जिंदगी से जोड़कर आपने रखा है इमाम मुजाहिद रह ने यह तो चार खौल थे जिसे इमाम जरीर तबरी ने जिक्र किया है ठीक है जहाँ तक मसला इन चारों अकवाल में से राज कौल कौन सा है इस सिलसिले में इमाम इबन जरीबर रम् का अगर मौक़ जानेंगे तो आपने इसको आम रखा है इमाम इब्नु जरी तबरी राम की आप पूरी तफसीर पढ़ लीजिए आप जो है मतलब यानी बहुत हद तक बहुत हद तक बहुत हद तक आप जो अमूम को जो है मतलब गालिब रखते हैं उसी से मुतल आप तजिया करते हैं यानी जो है यानी जब तक के ठोस और कवी दलील नहीं आ जाती किसी चीज़ को खास के लिए तो आयत करीमा की तफसीर में जो मुतनवे अकवाल मिलते हैं उसको आप जो है आयत करीमा की तफसीर में उसकी वसात में सब सब अकवाल को आप शामिल करते हैं सब अकवाल को, को, को लेकर चलते हैं हाँ इतनी बात होनी चाहिए कि वह अकवाल जो है बसानी सही हाँ जो है साबित हो लेकिन आप सभी अकवाल को उसमें शामिल करते हैं बहुत कम ऐसा होता है कि आप किसी करीना की वजह से जो है मतलब किसी कौल को करार देते हैं वरना अक्सर आप जो है मतलब किरात की बात हो या जो है मतलब यानी तफसीरी मालूम की बात हो आप उमूम ही को जो है मतलब गालिब रखते हैं तो यहां पर भी आपने वही बात की इमाम इब्न कसीर रहम् ने सरा तो नहीं कहा है कि जो है मतलब ये आम है इसमें सभी अखबार शामिल हैं लेकिन आपका जो उसूब है कि लौल लदफ़ाल्ल ही अन कौमिन बे कौम यह जो इख्तियार आगाज़ जो किया कलाम का उसके बाद का आप कुल का कुल आप जो इब्न कसीर रहम्ला का कलाम पढ़ करके देखिए ऐसे मालूम होता है कि वह इब्नजली तबरी रहा के कौल से मुतासर है और जो है आप इसको आम ही रखे हैं लेकिन काजी इब्न अतिया ने इस रत करीमा से मुतल यही बात कही जो दूसरा

الله سبحانه وتعالى تعالى पिछली शरियात में यही निज़ाम रखें और इसी से जो इसी में जो है मसलह हथ जुड़ी हुई है सबों की फ़लाह बहबूदी इसी में है ताकि अहल हक़ का दिफा किया जाए और अहल हक हक जो है दूसरों तक पहुँचे जो जो अमानत है लोगों की वो उन तक जो है पहुँच जाए इसीलिए अल्लाह अल्लाहान व ने इससे पहली बार आयत करीमा में जो बात कही कि कितब तो यहाँ पर इस आयत करीमा में वलोल ना सबा बिबास का मतलब ये निकलता है एफल़ातिल्मन यानी अल्लाह सुबहान ने कहा कि जो जो इजाजत दी है इजाजत तो है, तो है मुबा है, है, है।, एक, एक है उनके लिए रास्ता बता दिया गया है लेकिन यहाँ पर कहा कि मतलब हो गया है कि वो कतल करे मतलब उसके शुरू उसकी जरूरिया जो कुछ है, वो एक अलग मौजूद है लेकिन इसका जो मुजमल जो है वो मतलब

बल्कि इस आयती करीमा में जो सभी मजाहिब से मुतक गुफ्तु हो रही है पिछली आयतों में भी और कुछ बातें मैं आने वाली नशे में आपके सामने रखूँगा इस तनाज़ुर में अब अब्दुल्ला करतुबी रहा ने कहा कि फ़मनब शाह मिनार वसाबीन वसाबीन अलजहाद कहा कि फ़मन इसत मेरा नसारा व साबिन अलजहाद कहा कि यानी यानी फगोआ मुनाक़िदली मज़हबीन कहा कि यहूदों नसारा में से जो लोग जिहाद से जीत चुराते हैं या जिहाद को जो है मतलब हक़ नहीं समझते हैं या जिहाद को जो है मतलब मुलह समझते हैं कैंसर समझते हैं और उस मतलब उसको अपनी ज़िंदगी से या अपने मजहबी उमूर से निकाल के रखे हैं कहा कि ये दरअसल इनके मजहबी तलीमत ही के ख़िलाफ़ है अल्लाह रब्बालमी ने एक निज़ाम के तहत रखे हैं तो बहरहाल अल्लाह तह किलादफ़ाल ना सबा बिबा जो है ये जो है यानी जो मालूम थी इस आयत करीम की तफसीर से मुतल आखिरी बात इस आय आयतः करीमा की तफसीर से मुतिक वो ये है कि वलोला दफ़िल्ल ना सब बिबा यानी दफ़्र ये जो दफ़ाल्सबाद है यही करात है करात आसिम जो कि कररातल है क़्र आश्रा ने ऐसे ही पढ़ा है कि वलोला दफ़ाल्ला सब बबा लेकिन जो है इन इमाम नाफ़े और अबू जाफ़र और याकूब आ, इमाम इमाम याक़ूब रह्ल इन सब जो है कुरान जो है वलोला दिफा नासा इन्हें दाल पर कसरा और फ़ा पर फतहा उसके जो है, है वलोला दिफान्नास ऐसे जो है इनकी किरात है लेकिन जो किरात किरात आसिम है बल्कि जो किरात जो मशहूर किरात है आ, आ, वो यही है कि बोलो लद अल्लास बाद ये जो इस आयत करीमा का माना मफहम रहा इन श्ला इस आयत करीमा से मुलक जो है बकिया बातें में आने वाली तफी में आपके सामने रखूँगा अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली हमारी इस नशत को हमारे इस हमारे वालदे हमारे कुल मावन हमारे मुशाहिद हमारी एहलिया के लिए हमारे फर्जंदान के लिए हमारे हूद के लिए अल्लाह ताली जो है इसको इस इनके इनके हमारे लिए अल्लाह तारा ज़ैर आखिरत करे हमारे हसन में शुमार फरमायम हमारे माविन खास शेख शुयब मोहम्मदी को हमारे अहलिया को और जो हमारे फजल हूद को अल्लाह अल्लाबालमर आज़ीम से नवाजे सुबहान्हद कशतल अस्तफ़रकिल्लिका